हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि वन बाय वन एक एक फेस्टिवल आते जा रहे हैं, एंड आप सोच रहे होंगे मैं कैसे आप रेडी हो सकते हैं। तो मैंने आपको मेकअप ट्यूटोरियल दिखा दिया, कपड़े भी दिखा दिया, अब बालों को कैसे तैयार किया जाए। बालों को भी तो हेयर स्टाइल करना हमें जरूरी है, तो बालों को हम किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। एंड आपके अगर बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी है, कर्ली है, स्ट्रेट नहीं है, तो उनको आप कैसे मैनेजेबल बना सकते हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे बाल कैसे इतने ज्यादा स्ट्रेट एंड फ्लफी दिख रहे हैं, कैसे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डारो वॉल्यूमिनाइजर हेयर ड्रायर के बारे में। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से आती है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में, एंड इसका जो कलर है गोल्डन एंड ब्लैक कलर, ओ माई गॉड, ये तो मेरा दिल ही ले लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल से इसकी पैकेजिंग है, और जो ये वर्क करता है उसके तो क्या कहने। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हैं और आपको कहीं पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, फेस्टिवल आपको सेलिब्रेट करना है, तो अगर आपके बाल गीले हैं, पहले हम उसको सुखाते हैं, फिर उसको हमें हेयर स्टाइल बनानी होती है, तो वो सारे कामों से आपको बिल्कुल झंझट खत्म हो गई है। सब कामों से आप फ्री हो चुके हैं, सिर्फ आपके पास होना चाहिए ये हेयर ड्रायर जो कि अगारो का है एंड आपके बालों में वॉल्यूम एड करता है। तो चलिए गाइज, अगर आप देखना चाहते हैं कि इस जो प्रोडक्ट की फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं एंड मैंने ये हेयर स्टाइल कैसे अचीव करी है, तो जल्दी से अपने वीडियो में मूव ऑन करते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो गाइज, ये है अगारो वॉल्यूमिनाइजर हेयर ड्रायर जो कि 360 डिग्री में ये जो वायर है मूव कर सकता है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी वायर के साथ आता है, काफ़ी बड़ी वायर है इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इस समय जो मेरे बाल हैं वो डैम हैं, हल्के से गीले हैं, मैंने टॉवल ड्राई कर लिया था तो थोड़ा सा गीला थोड़ा सूखा है। एंड अब मैं अपने बालों को एक कोम की हेल्प से डिटेंगल कर लूँगी हल्का सा, जिससे कि जो थोड़े बहुत बाल अगर मेरे टूट रहे हों तो वो नहीं टूटेंगे। एंड मैं अपने बालों को बीच से पार्टिंग कर लूँगी। आप चाहें तो आप साइड से कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बीच से पार्ट कर लिया है। तो अभी मेरे बाल जो हैं वो डिटेंगल हो चुके हैं। अब मैं लूँगी अगारो हेयर ड्रायर जो कि मेरे बालों को सुखाएगा भी और स्ट्रेट भी करेगा, साथ ही साथ मेरे बालों में वॉल्यूम भी क्रिएट करेगा। सो इसमें आपको ऑन ऑफ का एक बटन मिला हुआ है, जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपका हेयर ड्रायर जो है वो ऑन हो जाएगा। एंड हमें ऊपर से नीचे की तरफ अपने ड्रायर को करते जाना है बालों को। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो आप चाहें तो आप थोड़े थोड़े बालों का पार्ट लेकर के, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेन लीजिए फिर उसको करिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। एंड जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से भी आप बालों को स्ट्रेट एंड ड्राई कर सकते हैं। इससे बालों में बहुत अच्छा सा भी आप देखिएगा एक अच्छा सा वॉल्यूम आ जाएगा, बाउंस आ जाएगा, जो कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी दिखाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं या फिर बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो भी आप इस हेयर ड्रायर को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, मैं आपको यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स बता देती हूँ। एक्टिवेटेड चारकोल ब्रिसल्स मिल जाता है, 24K स्टाइलिंग सरफेस फॉर इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन, एंटी स्कैल्डिंग टिप है, साथ ही साथ गाइज आपको यहाँ पर आयनिक टेक्नोलॉजी फॉर रिड्यूस फ्रिज मिलता है, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्वायरल पावर कॉर्ड मिल जाती है। एंड इस ड्रायर की 1200 वॉट्स पावर है एंड ए 1 ईयर वारंटी है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया तरीके से ये आपके बालों को स्ट्रेट कर रहा है, साथ ही साथ ये आपके बालों में वॉल्यूम भी क्रिएट कर रहा है। आपको यहाँ पे सेरामिक टर्मलाइन कोटिंग ब्रश हेड मिल जाएगा, एंड आपको यहाँ पे 3 हीट एंड 2 स्पीड सेटिंग्स मिलती हैं। आप देख सकते हैं मेरे एक साइड के जो बाल हैं वो कितने मैनेजेबल आपको शो हो रहे होंगे, एंड इधर के आपको कितने ज़्यादा फिजी और बिल्कुल मैनेज नहीं दिख रहे होंगे बाल। तो चलिए अब मैं इसको भी करके दिखाती हूँ आपको। तो गाइज, जैसे अभी हमने उस तरफ के बालों को स्ट्रेट किया था और वॉल्यूम भरा था, वैसे ही हमें दूसरे साइड के बालों को भी करना है। ऊपर से नीचे की ओर हमें इस तरह से अपने बालों को स्ट्रेट करते जाना है। इससे हमारे बाल सूख भी रहे हैं, साथ ही साथ हमारे बालों में हेयर स्टाइल भी बन रहा है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रही है। वैसे मेरे बाल
हैवी हैं नहीं जितने कि अभी आपको वीडियो में दिखने वाले हैं। सो इस तरह से आप अपने बालों में वॉल्यूम भर सकते हैं। अभी मैं स्ट्रेट करने के बाद, बालों को ड्राई करने के बाद, तीन हेयर स्टाइल भी बताऊंगी जो कि आप किसी भी फेस्टिवल में कर सकते हैं बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। सबसे पहले आप अपने बालों को इस तरह से ड्राई करते हुए अपने बालों में वॉल्यूम क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आपको कैसे कैसे हेयर स्टाइल बनानी है वो मैं आपको शो करती हूँ। तो हमारे बाल तो एकदम अच्छे से स्ट्रेट हो चुके हैं एंड वॉल्यूम भी आ गया है। अब मैं बताती हूँ आपको अपने बाल, आगे के बालों को किस तरह से फ्लफ़ी एंड वॉल्यूम से भरा हुआ दिखाना है। इस तरह से हमें अपने बालों का सेक्शन ले लेना है एंड अपने हेयर ड्रायर की हेल्प से हमें नीचे से ऊपर की ओर ही वॉल्यूम भरना है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी अपने बालों में करना है। इससे क्या होगा कि जो आपके बालों में है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी दिखाई देंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, स्ट्रेट हैं, तो इस तरह से आप अपने बालों में वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। आप जब महंगे महंगे पार्लर जाते होंगे, सैलून जाते होंगे, तो आपने देखा होगा ना वो इस तरह से हीटिंग टूल यूज़ करते हैं। तो आप घर बैठे अपने घर पर कंफर्ट जोन में इस तरह से अपने घर पर अपने आप को हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट हेयर स्टाइल के लिए क्या किया है। जब मेरे बाल जो आगे के हैं फ्लफ़ी हो चुके हैं, मैंने इस तरह से एक स्ट्रैंड ले ली है एंड अपनी कोई भी हेयर क्लिप की हेल्प से आप इस तरह से साइड में अपने बालों को टिक टैक कर लीजिए। टिक टैक पिन है या जो भी क्लिप है उस तरह से। तो देखिए कितना सुंदर आगे से लुक लग रहा है एंड आपके बाल भी एकदम मैनेजेबल शो हो रहे हैं। तो कैसी लगी आपको फर्स्ट हेयर स्टाइल बताइएगा मुझे कमेंट करके। अब हम नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने वो वाली क्लिप निकाल ली है एंड अब दूसरे साइड के हम अपने बालों को छोटा सा पोर्शन लेकर के इस तरह से क्लिप को टिक टैक पिन की हेल्प से पिन कर लेंगे। तो एक तरफ के बाल जो हैं वो एकदम आपके पीछे रहेंगे एंड एक साइड के जो बाल हैं वो आगे रहेंगे। तो इस तरह की हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा फ्लो आता है बालों में एंड आप ये हेयर स्टाइल भी किसी भी इंडियन एंड वेस्टर्न वेयर में कैरी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्राउन सेक्शन के बाल लेकर के हमें अपनी उसी पिन की हेल्प से बीच में एक क्लिप लगा लेनी होगी, क्योंकि हमने अपने बालों में वॉल्यूम भरा हुआ है तो हमारे बाल जो हैं ऑलरेडी बहुत फ्लफ़ी लग रहे हैं। तो हमें ज़्यादा पफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ये पफ क्रिएट हो जाएगा और मैं पीछे यहाँ पर क्लिप लगा दूंगी, जिसकी वजह से हमारा एक सुंदर सा फ्लफ़ी सा हेयर स्टाइल बन जाएगा। और पीछे देखिए कितना सुंदर आपको एक बढ़िया सा हेयर स्टाइल मिलेगा। ये देखिए मैं आपको पीछे भी दिखा रही हूँ। तो सबसे अच्छी आपको हेयर स्टाइल कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, देखा आपने कितना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट था ये। सिर्फ एक प्रोडक्ट होने से आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाने वाले हैं एंड बैकग्राउंड कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करती हूँ। प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो सब कुछ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक्स वगैरह चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।